जब अंदर से आवाज आती है कि यार थोड़ा सो लेते हैं, तो मेरे पापा की पॉकेट में रखे चिल्लर की आवाज मुझे जगा देती है। अरे ये जिंदगी क्या सिखाएगी मुझे। मेरी जिंदगी के पहले टीचर तो मेरे पापा थे और मैंने उन क्लास को अच्छी तरीके से सीखा है। ये जिंदगी क्या डराएगी मुझे। मैंने डर को पापा से हारते हुए देखा है। टूट टूट कर वापस जुड़ना मैंने मेरे पापा से ही सीखा है। जुर जुर के आगे बढ़ना मैंने मेरे पापा से ही सीखा है। यार पापा में एक बात तो होती है, जितने खरोस दिखते हैं ना उतने खरोस होते नहीं है, जितने मजबूत दिखते हैं ना उतने ही अकेले में आंसू बहाते हैं। अरे रुक जाना मेरे लिए आसान है, पर रुक कैसे जाऊं यार, मेरे पापा की पसीने की बूंदे टपक रही है। सो जाना मेरे लिए आसान है, पर सो कैसे जाऊं यार, ना जाने कितनी रातें हो गई होगी मेरे पापा को जगे हुए। बचपन में जब गिर जाता था तो पापा उंगली पकड़ के उठाते थे और बोलते थे कि शाबाश बेटा कुछ नहीं हुआ है। आज मेरे वही पापा खुद गिरने के कगार पर हैं। आज मेरे वही पापा इस ललकार पर है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है। और मैं जिंदगी से कैसे हार लूँ यार, मैं हार नहीं सकता, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जिसको बाप की उंगली पकड़ने का मौका मिलता है ना, उसको जिंदगी में कभी और किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। अरे मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने तभी लिख दी थी जब मुझे पेन पकड़ना तक भी नहीं आता था, और उस लिखा हुआ किस्मत को मैं कैसे झूठा होने दूं यार। और सबसे ताजू की बात तो ये है कि अब भी मैं किस्मत का ही दोष दे रहा हूँ, किस्मत में ही कमियां निकाल रहा हूँ, जबकि मेरी किस्मत तो मेरे पापा ने पहले ही लिख दी थी। और यार जो बोलते हैं ना कि पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना, तो वो लोग उनसे पूछे जिनके बाप नहीं है। अरे ये मुश्किलें क्या रोकेगी मुझे, जब मेरे पापा बुखार में भी काम पर जाने से नहीं रुके। अरे ये दुनिया क्या डराएगी मुझे, जब मेरे पापा ने इस डर को हमेशा हराया है कि कल के राशन का क्या होगा, कल की मजदूरी का क्या होगा, मेरी फीस का क्या होगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज से पहले की जिस तरह से मैं अपने पापा को मेरा हौसला समझता हूँ, उसी तरह से मेरे पापा का हौसला मैं हूँ। और उस हौसले को कैसे टूटने दूं यार, क्योंकि वो हर दिन इस हिम्मत से काम पर जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, वो बड़ा हो रहा है ना, और मैं देख क्या कर रहा हूँ। जिस भगवान जैसे बाप ने मेरी किस्मत लिखी है, उसी की किस्मत में मैं कांटे लिख रहा हूँ, मैं देख क्या कर रहा हूँ। अरे जिस इंसान को देखकर मैंने बचपन में किसी भी पत्थर को किसी भी गड्ढे को पार कर जाता था, सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि क्या डर है यार, उस पार मेरे पापा खड़े हैं, आज उसी व्यक्ति को मैं अपनी आजादी के बीच में आने वाली दीवार मान रहा हूँ। अरे अगर कोई तुम्हारी सफलता से खुश हो ना, तो वो या तो तुम खुद हो या फिर तुम्हारे माँ बाप होते हैं, और मैं उनका भी दर्द समझता हूँ जिनके पापा नहीं है। इसलिए फिक्र मत करना दोस्त, तुम वो बनना जो तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में कभी नहीं बन पाए, लेकिन उस जगह पर तुम्हें देखना चाहते थे। और अगर यह भी नहीं पता है कि वो तुम्हें क्या बनाना चाहते थे, तो मैं बताता हूँ, वो सिर्फ मेहनत करके सफल होने वाला एक इंसान बनाना चाहते थे। इसलिए जाओ और मेहनत करो, और जब कभी भी हिम्मत टूटे तो याद कर लेना इस नन्ही सी चींटी की कहानी को, कि नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता। और आखिरकार इनकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।